लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लुटेरे इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े बैंक लूटने लगे हैं। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ के निम्बेहेड़ा से सामने आया है। खबर के मुताबिक कुछ लुटेरे यहाँ एक्सिस बैंक में घुसे और बंदूक की धाक दिखाकर 40 लाख की रकम लेकर गायब हो गए। सूचना पर पहुंचे जिला एसपी ने इलाके में नाकाबंदी करवा दी और पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ के निम्बेहेड़ा का यही वो एक्सिस बैंक है जहां आज सुरक्षा को धता बताते हुए अज्ञात लुटेरों ने बैंक से 40 लाख की नकदी लूट ली और फरार हो गए। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर जांच तेज कर दी है, लेकिन अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। जिला एसपी दीपक भार्गव ने बताया कि लुटेरे बैंक में खाता खुलवाने के बहाने आए थे और बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक बैंककर्मी को चोट भी लगी है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि आरोपियों के हुलिये और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संदेहास्पद ठिकानों पर पुलिस टीम भेज दी गई है और लुटेरों की तलाश जारी है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमारी टीमें पहुंची हैं, काम कर रही हैं, उनका हुलिया फुटेज और बाकी चीज़ें निकाल के तक पहुँचने की कोशिश करेगी। अन्य जगहों पे भी हमारे आदमी पहुंच रहे हैं, देखते हैं, कोशिश करेंगे भारत जल्द से जल्दी केस हो। अभी बैंक वाले उसको पूरा गिन रहे हैं क्योंकि वो जो कैशियर है वहाँ से कैश ले गए थे, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 40 के आसपास होना चाहिए, 40 से 50 के मध्य में हो सकता है, लेकिन वो जब अपने फिगर टैली करेंगे तब एग्जैक्ट फिगर आएगा सामने। और अंदर घुसे गया तो एक कछुआ जैसा बाहर निकला और पीछे से मैंने यहाँ से गर्दन पकड़ी और बंदूक यहाँ पे रखी, तो मैंने यहाँ से उसकी पकड़ी, एक सामने से आया और बंदूक यहाँ पे जोर से मारी और नीचे बिठा दिया। दो तीन लोगों ने नीचे बिठा दिया और फिर अंदर सात आठ दस लोगों को वहाँ पे बिठा रखा, तो वहाँ पे मैं जाके बिठा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।